ओके देखो जो हमने कल टेस्ट लिया, आप लोगों का कल टेस्ट लिया, आप बच्चों ने जो भी हमारे ग्रुप में हैं जिन्होंने भी टेस्ट लिया, इसका लास्ट के दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किए। इनफैक्ट देखा जाए तो पूरे ग्रुप के अंदर सिर्फ दो ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और थोड़ा हद तक ठीक किया, यानी दो में से एक में थोड़ी गलती आपकी थी शायद, ठीक है जी, और थोड़ी आपकी थी, एक धृति और एक नेक्स्ट को छोड़ के, इशू को छोड़ के, बाकी किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए। और वैसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है। प्रॉब्लम यह है कि अब एडजस्टमेंट इन कैपिटल हटा दी गई, वो टॉपिक हटा दिया गया। जब वो टॉपिक हटा दिया और उसके साथ का कुछ छोटा सा अंश, छोटा सा पार्ट इसमें है, तो चांस है कि वो आपके साथ यहां पे गेम खेल जाए। आप ये नहीं कह सकते कि वो टॉपिक हटा दिया, लेकिन वो है भाई, वो क्वेश्चन नंबर 81 तक आपको आ सकता है, रिसेशन नंबर 81 तक, और उसमें ये टॉपिक है, ठीक है जी, उसमें ये टॉपिक है। तो फिर इस तरीके से आप यही काम आगे कर रहे हो एडमिशन के चैप्टर में, और यही काम यहाँ इस चैप्टर में है, तो वहां पे भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दोबारा से करने हैं। मैं फिर एक बात बोलता हूँ, बार बार एक बात बोलता हूँ, सिलेबस खत्म करना टारगेट नहीं है। आवर टारगेट इज नॉट टू कम्प्लीट द सिलेबस, आवर टारगेट इज टू कम्प्लीट द अंडरस्टैंड द सिलेबस। इसे ऐसे कम्प्लीट करना है सोच के, समझ के और कंसेप्ट को क्लियर करके। अगर सिलेबस खत्म करोगे ना, सिर्फ सिलेबस खत्म करोगे, तो सच्ची मानना कुछ ट्यूशन सेंटर ऐसे हैं जहां 31 जुलाई को बुक एंड हो जाएंगी तीनों की तीनों। कल? यस, सही कह रहा हूँ। कुछ सेंटर ऐसे हैं, इसी मार्केट में हैं, हमारे ही मार्केट में हैं, जहां कल लास्ट डे है सिलेबस खत्म होने का, और उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा मालूम? रिविजन बैच लगेगा जुलाई से लेके अक्टूबर तक, फिर एक बैच लगेगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, फिर एक बैच लगेगा दिसंबर से लेकर मार्च तक, मतलब फर्क तक ऐसे बैच लगेंगे। लेकिन सारे बैच में बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और अलग अलग फीस देंगे। हर रिविजन बैच की अलग अलग फीस है, स्लैब्स है ऐसे बनाए हुए, फीस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप बच्चों से पूछ लेना दो रिविजन के बाद, जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मेरे पास बच्चे आते हैं, लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आएंगे आपके सामने, जो सब जगह से पढ़ेंगे, सारी रिविजन करेंगे और बाद में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। विश्वास मानो, आप अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हो। जिन बच्चों ने पहले 4 अटेम्प्ट किए, ऑलमोस्ट 4 सबके ठीक थे। इसका मतलब जहां प्रॉब्लम है, अपनी गलती को पहचानो, अपनी वीकनेस को पहचानो और उसके ऊपर काम करो और उसे रेक्टिफाई करो। यही एक अच्छे बच्चे का काम है, यही एक अच्छे बच्चे की निशानी है कि वो अपनी वीकनेस को छिपाता नहीं है। जहां उसकी वीकनेस है उसे बाहर निकालो, उसे फेस करो। वीकनेस को फेस करोगे तो ही तो लड़ पाओगे यार। अगर उससे डर गए और बोला यार चल ठीक है टॉस करते हैं, ये आएगा नहीं आएगा, पेपर में चांस लेते हैं, अगर ऐसे चांस लेने स्टार्ट करोगे ना तो फिर कभी भी फंस सकते हो पेपर के अंदर। और मैं अवेलेबल हूं, मैं एक ऐसा टीचर आपके सामने हूं जो हर वक्त आपके लिए हूं। आप कभी भी अपना डाउट भेजते हो, आज तक ऐसा हुआ कि आपने डाउट दिया और मैंने आंसर ना किया हो? ओके, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब कभी भी आपका डाउट मेरे पास आया, विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स या जब भी मैंने मैसेज को देखा, मैंने रिप्लाई कर दिया, तुरंत रिप्लाई किया। और अगर मुझे लगा कि वो कल समझाने वाली बात है, मैंने ये भी कहा कि कल हम समझेंगे क्लास के अंदर, इसको भी छोड़ दो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आज तक कोई डाउट नहीं आया और उनके नंबर भी नहीं आए। प्रॉब्लम ये है, जिनके डाउट नहीं है उनके मार्क्स भी नहीं। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो समथिंग डिफरेंट था, और उसके साथ के क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमें करना क्या था, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं पहले, फटाफट जल्दी से आओ क्वेश्चन नंबर 34 करें। क्वेश्चन नंबर 34, आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर नंबर 3 देखो, पेज नंबर है 3.72, पेज है 3.72 और टॉपिक ऊपर दिया हुआ है। टॉपिक की हेडिंग है अकाउंटिंग फॉर इवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज और चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 चेंज इन पीएसआर, ठीक है जी। ये चैप्टर रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का सेम ट्रीटमेंट हो रहा है, कहां पे? यहां भी और एडमिशन में भी सेम ट्रीटमेंट, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर कहा कि इस क्वेश्चन को गौर से देखो, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, ठीक है। लेकिन पहला स्टेप चेंज नहीं करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो तो हमें निकालनी निकालनी, सैक्रिफाइसिंग निकालो या गेनिंग निकालो एक ही बात है। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं अभी भी आज सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं, माइनस में आंसर आ रहा है, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो गेन है,
ऐसे भी बच्चों ने गलती की है, अभी तक ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं बच्चों को, सोचो आप। तो सबसे पहले हम आओ रेशियो निकालें, क्या गिवन रेशियो गिवन है, आ जाओ फटाफट, ये स्टेप तो आप कर जाओगे, ए बी सी आर पार्टनर्स, और क्या रेशियो दे रहा है, वर्क पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट अलाउस इन द रेशियो ऑफ 2:1, कौन सी रेशियो में, 2:4:5, 2:5, 2:5 और 1:5, ये लो, ठीक है जी, 2:5। फिर क्या बोलता है, फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 1:3, 2:1, 3:6, 1:6, 2:6 और 3:6, तो ये हो गई ओल्ड रेशियो, ये हो गई न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग निकाल लो चाहे गेनिंग निकाल लो, मर्जी आपकी है, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगी, न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो गेनिंग आ जाएगी, मर्जी आपकी, जो मर्जी आप निकाल लो। हाँ जी बताओ तो क्या है फटाफट जल्दी से, सेक्रीफाइसिंग क्या है, क्या है 7:2, लो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी जो है वो गेन कर रहा है ना, सी गेन कर रहा है, ठीक है जी, लो हो गई बात खत्म, 7:2 आ गई, आप निकाल जाओगे। और आगे पढ़े क्या बोलता है, बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, हमने बैलेंस शीट दिख रही है, और बोलता है फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर, हो गई बात खत्म, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4,50,000। अरे भाई एक लड़की ने इस गुडविल को बांट दिया, उसने इस गुडविल को ही बांट दिया, अरे भूल गए आप, यहाँ गुडविल ट्रीट की जानी थी, यहाँ पे गुडविल को ट्रीट करना था, ट्रीट करना था गुडविल को, ट्रीट, जो बंदा गेन करेगा वो देगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो लेगा, ये तो सारे अगले 3 चैप्टरों में चलेगा, लेकिन यहाँ हमें गुडविल को ट्रीट करना था, क्या करना था, ट्रीट करना था। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी है, 4.5 लाख, आ जाओ तो 4,50,000 कितना गेन कर रहा है ये सी, जरा बताओगे, कितना, 9/38, देखो तो कितना है, जरा बताओ तो 4,50,000 इंटू 9/30, 1,35,000, यानी सी है वो देगा, सी वो देगा, और किसको देगा, ए और बी को देगा, कौन सी रेशियो में देगा, 7:2 में, तो दे दो फटाफट जल्दी से, क्या एंट्री पास की आपने जल्दी बताओ, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2A 2B, हाँ जी रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा, हाँ जी रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा, रिकॉर्ड में नहीं दिख रहे, क्यों ऊपर है, पीछे है, अच्छा यहाँ कर लेते हैं, ये लो, अब ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे, क्या लोडे ये लो, ठीक है जी, चलो तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, मैं सच बोल रहा हूँ, दो बच्चे ने गलती की है, वो ये भूल गए कि यहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट करना, ये सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में ट्रीटमेंट करना है गुडविल का, है ना, जितना वो गेन कर रहा है हमने वो निकाल लिया, जो गेन कर रहा है वो देगा, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लेंगे, काम भी यही कर रहे हैं हम, तो गेन कर रहा है कितना, 1,35,000, और ये किस रेशियो में बांटेगा, 1,35,000 इंटू 7/9, लो इसको मिलेगा 1,05,000, इसको मिलेगा 30,000, अरे भाई 1,35,000 इंटू 7/9, 1,35,000 इंटू 2/9, इस बात को बच्चे समझे नहीं कि सेकेंड चैप्टर के अंदर चेंज इन पीएसआर के अंदर वी हैव टू ट्रीट द गुडविल, हमें गुडविल को ट्रीट करना है। एक लड़के ने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बच्चे ने डिस्ट्रीब्यूट, वो भूल गया कि वो सेकेंड चैप्टर में है कि थर्ड चैप्टर में है, अरे थर्ड चैप्टर के अंदर हम गुडविल निकालते हैं, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया, जो नया पार्टनर लेके आया उसे निकालते हैं, अगर दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो हम फर्म की गुडविल निकालते हैं, वो भी कौन से केस में, हिडन गुडविल के केस में, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, न्यू पार्टनर गुडविल, और उसे हम गुडविल बोलते भी नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। वो चैप्टर नंबर 3 है एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर आया, जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लाया, उस गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, यही तो कर रहे हो ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, कुछ सही बोल रहा हूं ना मैं, सेक्रीफाइसिंग में बांट दिया, वहां बांटते हैं क्या,
क्या करते हैं ट्रेनिंग वाला देता है। मैं न्यू क्वांटो की बात कर रहा हूँ, नहीं नई एडमिशन की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एडमिशन। एडमिशन के अंदर जो भी नया पार्टनर आया, जो भी वो गुडविल लेके आया, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आया, उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट मैंने बांट दिया, यही करा ना हमने। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम जो फर्म की गुडविल है उसमें जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका हिस्सा निकालेंगे। यानी टोटल गुडविल थी 4,50,000, ये गेन कर रहा था 9,30,000, तो हमने निकाला 1,35,000। अब जो गेन कर रहा है वो देगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो लेगा। तो गेन कर रहा था सी और सेक्रीफाइस कर रहे थे ए और बी, कौन सी रेशो में 7:2। बात को समझो, अपने दिमाग के अंदर इन चीजों को बिठाओ, चार्ट बनाओ, एक ऐसा चार्ट बनाओ, उसमें अपने जिम में लिखो इन चीजों को और बैठाओ। सेकंड चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और थर्ड चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ताकि आप जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं हो। सेकंड चैप्टर में भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर ही ट्रीट करते हैं और थर्ड चैप्टर में भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही ट्रीट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सेकंड चैप्टर में नया पार्टनर नहीं आता, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्हीं के बीच में रेशियो में चेंज हुआ। तो हम गुडविल को ट्रीट कैसे करते हैं कि जो टोटल गुडविल थी फर्म की, हम देखते हैं कि किसने गेन किया, किसने गेन किया, कितना गेन किया, 9/30 गेन किया, तो आ गया 135। उसको हमने क्या किया, बांट दिया इसमें दोनों पार्टनर्स के बीच। ठीक है जी, यहां पर हम ऐसे करते हैं, यही करते हैं ना, यही करते हैं ना। हाँ जी, किसी को डाउट है, यही करते हैं ना। आ जाओ उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आ जाओ। फिर वो बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। यानी अब हमें छोटा सा क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक ही एंट्री है इसलिए हम छोटे से छोटे में करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है बाय 20%। 3,00,000 की बिल्डिंग थी, 20% से एप्रिशिएट हुई, मतलब 60,000 से एप्रिशिएट हो गई, प्रॉफिट हो गया। और कहीं कोने में बाद में बना लूंगा बैलेंस शीट, बाद में बना लेंगे क्योंकि एक ही एंट्री है, तो बाद में बैलेंस शीट बना लेंगे। 60,000 ये किसका है, और तो कुछ है नहीं, ये 60,000 किसका पैसा है बताओ, कहां जाएगा ये पैसा, टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट। रिवोल्यूशन प्रॉफिट जाएगा कहां, पार्टनर्स के बीच में, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशियो है 2:1। तो 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 60,000 24,000 और कितना बच गया 12। ये ए बी और सी, ये बन गया रिवोल्यूशन अकाउंट। इतना सा काम करना था, एक ही एंट्री थी रिवोल्यूशन अकाउंट की, इतनी सी थी, वो भी आपको करनी थी। अब उसके बाद हम बनाए कैपिटल अकाउंट। सबसे बड़ा काम यहाँ कैपिटल अकाउंट में ही था, जो हमें करना था वो था कैपिटल अकाउंट के अंदर। आ जाओ हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको गौर से समझना। यहाँ 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। सबसे पहले लिखो, हम यहाँ पे लिखें बाय बैलेंस बीडी। जो बैलेंस बीडी है वो कितना है, वो है हमारे पास एबीसी का 2,00,000, 1,50,000। ये 2,00,000, 1,50,000। लो जी, एक तो ये दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व, देख रहे हो आप, जनरल रिजर्व इतना कितना है 40,000। तो जनरल रिजर्व को भी यहां से हटाएं क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। जनरल रिजर्व 16,000, 16,000 और 8,000। लो, इसको भी हमने हटा दिया। तीसरा, हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट, जरा देखो तो क्या हुआ, यह है 24 और 12।
लो। इसके बाद हमारे पास वो गुडविल का ट्रीटमेंट है, सी देगा और किसको मिलेगा, ए को और बी को मिलेगा। तो ए और बी को मिलेगा तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, इसको मिलेगा 1,05,000, इसको मिलेगा 30,000 और ये देगा, तो ये देगा तो इसकी कैपिटल निकाल देते हैं, क्या लिखें, टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना देगा, इसको देगा 1,05,000 और इसको देगा 30,000। इतना सा ही काम करना था, ठीक है जी, इतना ही काम करना था और इसको अकाउंट को क्लोज कर देते हैं हम हर बार। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया था क्या, जरा गौर से देखो, कहा गया था कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी, एक एक पॉइंट समझना, पूछिए एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट समझना, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो पार्टनर्स की कैपिटल है अब उसे न्यू रेशियो में हमें बांट के दिखाना है, न्यू रेशियो में लिखना है। मेरी बात सुनो, पार्टनर्स के कैपिटल का मतलब था द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, यानी जो यहां पार्टनर्स कैपिटल आएगी वो नई रेशियो में आनी चाहिए, न्यू रेशियो में आनी चाहिए। पार्टनर्स की कैपिटल अब न्यू रेशियो में आनी चाहिए और वो तभी आएगी अगर हमें पता हो व्हाट इज द एडजस्टेड कैपिटल, इनकी कैपिटल है कितनी। तो मैंने कहा था इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप वर्किंग नोट बनाओ और वर्किंग नोट के अंदर लिखो एडजस्टेड कैपिटल, आप एक वर्किंग नोट बनाओ और वहां लिखो एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए बी और सी। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल में जो भी देना है वो प्लस कर दो और जो भी लेना है वो माइनस कर दो, उसके बाद जो कैपिटल आया दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, उसी को हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। और देखिए इसकी कितनी आई, जरा एक ही 2,00,000 + 16,000 + 24,000 + 1,05,000 = 3,45,000। द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, आई एम नॉट सेइंग कैपिटल, आई एम सेइंग एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल तो निकालनी है न्यू रेशियो में। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, यानी ए को टोटल हमने कितना देना है 345, कितना है टोटल उसका 345, उससे लेना कुछ भी नहीं, तो कितना आ गया ए का 3,45,000। फिर आप निकालो बी के एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, जल्द कितनी, 2,20,000 और सी की जो है वो माइनस में जा रही है, कितनी, यहाँ पे 1,35,000 उसकी डेबिट में है और वहां क्रेडिट में है कितनी, 25,000, सी की माइनस जा रही है 25,000। दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, ये ए बी और सी की एडजस्टेड कैपिटल है, ए की बी की और सी की क्या है एडजस्टेड कैपिटल। उसने कहा द न्यू कैपिटल, इसने क्या लिखा यहाँ देखो, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट जनरेशन, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है ये वाली कैपिटल इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, दिस इज द कैपिटल ऑफ द पार्टनर नाउ, दिस इज एडजस्टेड कैपिटल, इसे न्यू रेशियो में बांटना है। और देखे तो क्या होगा, इसका टोटल करें तो क्या हो जाएगा, फटाफट से कितना आ जाएगा, 5,40,000, बस इतना सा काम करना था, जो भी एडजस्टेड कैपिटल का टोटल था 5,40,000 इसको न्यू रेशियो में बांटना था। और न्यू रेशियो हमारे पास क्या आई थी, 5,40,000 × 1:2:3, बोलो तो कितनी मिलेगी ए को, 90,000, बस यहाँ लिखो टू बैलेंस सी, बस यहाँ बुक से हम डिफरेंट इसलिए गए कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई, मैं नहीं चाहता कि हम इसे यहाँ कैलकुलेट करो, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। बोलो ए को कितनी मिलती है 5,40,000 का आया तो 90,000, यानी न्यू रेशियो के हिसाब से इनकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए 91,80 or 270, लेकिन इसके खाते में कितना पैसा पड़ा है 3,45,000, आप देख रहे थे इसके खाते में ऑलरेडी क्रेडिट साइड में 345 पड़ा है। और एक एक करके अकाउंट को क्लोज करते हैं, लेट अस क्लोज दिस वन फर्स्ट, और ए को क्लोज करें, 3,45,000 उसके खाते में है, उसके अकाउंट में आज की तारीख में 345 है, लेकिन कैपिटल होनी चाहिए सिर्फ 90,000, लेना होने से कुछ है नहीं, ठीक है।
तो बैलेंस शीट क्या करेगी? तो बोलता है फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। अगर ये लाइन नहीं लिखता ना करंट अकाउंट विल बी ओपन, तो हम यहाँ पे लिखते टू बैंक। मेरी बात समझ में आई? अगर वो ये लाइन नहीं बोलता ना करंट अकाउंट टू बी ओपन, तो हम यहाँ टू बैंक लिख के पैसा वापिस कर देते। लेकिन उसने कहा जो भी उसके हिस्से में फालतू पैसा पड़ा है उसे करंट अकाउंट में डाल दो, वापिस मत करो, उसके करंट अकाउंट में डाल दो, एक करंट अकाउंट में डाल दो। तो मैंने कहा आओ निकालें 3,45,000 में से अगर हम 90,000 माइनस करें तो 2,55,000 जो है उसके करंट अकाउंट में चला गया। लो 2,55,000 एक करंट अकाउंट में चला गया। इट विल गो इन, देखो कि क्या टू ये करंट अकाउंट लिख दो सीधा अपने पास जाएगा ये में टू करंट अकाउंट। तो एक के करंट अकाउंट में कितना चला गया 2,55,000। यही उसने कहा था, उसने कहा जो भी एक्सेस कैपिटल में है वो उनके करंट अकाउंट में डाल दो, या तो उनके अकाउंट में डाल दो या उनसे मंगवा लो, लेकिन करंट अकाउंट के हिसाब से मंगवाना, ना तो कैश मंगवाना ना तो कैश देना, ये काम नहीं करना, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं कहता तो मैं यहां लिखता टू बैंक, और उसका सीधा असर कहां पड़ता नीचे बैंक अकाउंट में बैलेंस शीट में, लिखता टू बैंक। लेकिन उसने कहा करंट अकाउंट में डालो, तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसने कहा करंट अकाउंट में डालो, डाल दिया। अब बी को क्लोज करते हैं, बी के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? बी के अकाउंट में यहां पड़ा था 2,20,000, जो साइड ज्यादा होती है उसे पहले बंद करते हैं, आपको मालूम है क्रेडिट साइड ज्यादा है 220, और 220 से इसको क्लोज किया, यानी बी को हमें कितना वापस करना पड़ेगा 40,000। बी के खाते में 40,000 फालतू है, उसके करंट अकाउंट में डाल दिए। अब बारी आई सी की, सी की डेबिट साइड ज्यादा है तो इसको क्लोज किया जाएगा, पहले डेबिट को क्लोज किया जाएगा। बोलो कितना है? 4,05,000। और वहां कितना है? 1,10,000 है ना, यही है ना, 4,05,000 में से माइनस करेंगे 295 इसको लाना पड़ेगा, ही हैज टू ब्रिंग दिस मनी 295 इसे लाना पड़ेगा, ही हैज टू ब्रिंग 295, तब जाके इसका पैसा पूरा होगा। लो ही हैज टू ब्रिंग 295, हम यहां क्या लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। अब लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, कहानी खत्म हो गई। यही क्वेश्चन था, इतना ही था, बुक ने तो इतना ही मांगा था। आगे बैलेंस शीट भी आप बना सकते थे, इसके आगे आप बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते थे, और बैलेंस शीट भी टैली करने वाली थी और बच्चों की भी थी, लेकिन बैलेंस शीट मैंने मांगी भी नहीं। आई थिंक मैंने बैलेंस शीट के लिए नहीं कहा था कि कहा था ओके इसमें नहीं है, 34 में नहीं है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी थी, कैपिटल हम निकाल चुके, करंट अकाउंट के बैलेंस हम निकाल चुके, रिवोल्यूशन अकाउंट में कुछ खास है नहीं, तो बैलेंस शीट 5 मिनट का काम था, बैलेंस शीट जो था वो 5 मिनट का काम है। और इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाए, छोटी सी बैलेंस शीट हम यहाँ बना लेते हैं, इधर ये वाली एंट्री आप कर चुके हो, इसमें यहाँ छोटी सी बैलेंस शीट बना के देखो, हम एक छोटी सी बैलेंस शीट अगर यहाँ पे बनाए तो ऐसी बन जाएगी बैलेंस शीट। और यहाँ बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में चेंजेस हो चुके हैं, कैपिटल हमारे पास आ गया, ये लो कैपिटल, इसकी कैपिटल है 90,000 ए की, बी की कैपिटल है 1,80,000 और सी की कैपिटल है 2,70,000। फिर करंट अकाउंट, ये बिनी का पैसा है, करंट अकाउंट ए का है 255, बी का है 40,000। लो ये दो बातें आ गई लाइब्रेरी साइड में। आ जाओ इस तरफ देखें, जनरल जब हम बांट चुके, क्रेडिटर के बारे में हमने कुछ किया नहीं, तो क्रेडिटर आ गया 70,000। लो क्रेडिटर आ गया 70,000, ये कितना आया 295, और वो कितना आया 90,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,70,000, 5,40,000 हमने इंट्रोड्यूस किया था। लो और तो कुछ है नहीं, इस तरफ कुछ है नहीं, यानी कि खत्म हो गई कहानी। अब उस तरफ की कहानी देखें, उस तरफ क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ बढ़ोतरी हुई थी, कितना हुआ था 60,000, अब कितना हो गया 3,60,000। लो लैंड एंड बिल्डिंग हुआ 3,60,000,
ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक कोई चेंज नहीं आया, कितना स्टॉक है, स्टॉक 1,60,000, डेप्टर्स में कोई चेंज आया, ओके, और कैश एट बैंक, देखो रुको, कैश एट बैंक सारे पेपर में कहीं कैश एट बैंक में चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज एट ऑल, कितना है 10,000 हो गया टैली, और वो करंट अकाउंट कौन सा था, ये कौन है, सीज करंट अकाउंट 295 आगे रखिए 9,05,000 ये लो जी, ये बैलेंस शीट भी टैली कर गई थी, यह छोटा सा क्वेश्चन था, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आप बच्चों ने किसी ने भी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की, अगर इस तरीके गिव अप करोगे ना, गिव अप करोगे तो फिर आपकी लड़ाई जो है ना वो 70 और 80 के बीच में रह जाएगी, मुझे मालूम है यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे में से आप जितने भी बच्चे भी यहाँ बैठे हो इस टाइम पढ़ रहे हो सब 75 से ऊपर नंबर लेने वाले हो, लेकिन 75 नंबर रिस्पेक्टेड मार्क्स नहीं होते, अब 75 मार्क्स रिस्पेक्टेड नहीं है, रिस्पेक्टेड मार्क्स अब 90 से स्टार्ट होते हैं, अगर थोड़ी इज्जत वाली बात की जाए तो 90 नंबर से स्टार्ट होता है काम, अब जिसके 90 से नीचे है अब उसे होशियार नहीं माना जाता, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों ने बढ़ा दिया, सभी 95 लग लग गया, हमारे टाइम में 1 लाता था सब लेके आ रहे हो, ठीक है नहीं, तो ये चक्कर है, आ जाओ एक और कर लेते हैं साथ का 36 करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 करें फटाफट, और उसको भी इसके साथ का ही क्वेश्चन है, आप भी मेरे साथ साथ करो 36 क्वेश्चन नंबर 36 आओ साथ साथ जल्दी से बातें कहीं और फटाफट करो क्वेश्चन नंबर 36 कौन करेगा 36 जल्दी जल्दी स्टार्ट फटाफट करो 36 पढ़ो क्वेश्चन क्या है S, T, U and V आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4-3-2-1 4-3-7-2-9-10 ये लो जी S, T मेरे से पहले आपका होना चाहिए मैं करूं उसके पहले आपका होना चाहिए खुशी खुशी आप मेरे से पहले कर दो मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए 4-3-7-2-9-10 4/10 3/10 2/10 एंड 1/10 ये ओल्ड पार्टनर है और ये पार्टनर है और क्या बोलता है फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन 3-1-2-4 तीन और एक चार चार और दो छह और चार दस ओके 3/10 1/10 2/10 और 4/10 कितना आसान हो गया ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सर इस बार गेनिंग निकालेंगे हम गेनिंग निकालेंगे सर इस बार हमारा दिमाग में खराब हो गया गेनिंग निकालने में लो हम गेनिंग निकालेंगे ठीक है तो कोई बात नहीं अगर हम गेनिंग निकालेंगे तो गेनिंग निकाल लो इस बार हम गेनिंग निकालते हैं न्यू माइनस फोल्ड करते हैं तो न्यू माइनस फोल्ड ये कितना आया ये कितना आया और ये कितना आया लो अगर गेनिंग निकाले और आंसर माइनस में आ रहा है तो मतलब वो क्या कर रहा है ये भी नहीं मालूम बच्चों को यार यहाँ भी गलती है इसमें भी गलती है इस कंसेप्ट में भी गलती है सोचो आप कितने डेप्थ की जरूरत है बच्चों को क्या पढ़ाई कर रहे हो यार ये क्या है ये कर रहा है सेक्रीफाइस ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस ये क्या कर रहा है गेन और एक बच्ची ने बताया क्या किया एक ने किया कि दो ने किया है ए और बी को डेबिट किया 27,000 गुडविल सी और डी को क्रेडिट किया एंट्री की है जनरल एंट्री ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू बी कैपिटल ऐसा कुछ एंट्री की ए और बी को डेबिट किया सी और डी को क्रेडिट किया और वहां पे कैपिटल अकाउंट के अंदर यहां लिखती है ए और बी और यहां लिखती है सी और डी और उसका नाम पता है क्या उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी इस टाइम बाद में बताऊंगा एन स्केयर जो है ना एन स्केयर दोनों ऐसे थे मतलब कमाल की बात ही देखो कि जनरल एंट्री ठीक है एंट्री बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ कैपिटल अकाउंट डालते हुए उल्टा डाल रहे हो वाजी वाह कमाल ऐसा भी हो जाता है पेपर के प्रेशर आइए दिस इज प्रेशर लो ये खत्म हो गया आओ आगे चले आओ आगे पढ़े क्या बोलता है नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलता है फॉर द अबाउट डेट फ्रॉम द अबाउट डेट हो गया खत्म
फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फॉर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000. अरे सुनो मेरी बात, इधर गुडविल ऑफ द फॉर्म इज 90,000. जो गेन करेगा ना गेन वो देगा, जो सेक्रीफाइस करेंगे वो लेंगे. ठीक है सुनो, इधर फॉर्म की गुडविल कितनी है, ये कितना गेन कर रहा है, 3/10 निकालो इसका, 3/10 कितना आया, 27. बस ये 27 देगा, इन दोनों को देगा. तो ये 27 देगा, वी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2S 2T, 2S कैपिटल अकाउंट, ये 27,000 देगा. हाजी कितना कितना, 9,000 और लो हो गई एंट्री खत्म, गुडविल की एंट्री भी खत्म हो गई. उसके बाद क्या बोलता है, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज एस्टिमेटेड टू ₹70,000 और हमारे पास 60 पड़े थे. आ जाओ देख लेते हैं, एक छोटा सा क्या बनाएंगे, अच्छा 60,000 का हमारे पास रिजर्व पड़ा था और क्लेम कितने का आ गया, 70,000 का. इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स 10,000 का लॉस हो गया. तो यहां लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 और ये 10,000 किस में जाएगा भैया, ये 10,000 जो है, ये 10,000 जो है, ये वाला 10,000 आप पार्टनर्स को देना होगा. और देख लेते हैं, एक तो एंट्री एक ही थी, बाय रिवोल्यूशन लॉस, ये है एस टी यू और वी, चारों पार्टनर्स में बांट दो 10,000, कितना कितना आ रहा है, 4 दिन 2 एक, 4,000 3,000 2,000 और 1,000. अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटाफट जल्दी से, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, चार पार्टनर हैं, लो अभी तक बनाया नहीं, वाह 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 कमाल, 1, 2, 3 और 4 पार्टनर आ जाएगा, पर मुझे लगता नहीं आएगा. ये क्या बनाया हमने, अरे रुको ना, एस टी यू बी पर्टिकुलर बनाओ, अच्छा इसको हटा देते, ये तो आपके पास है यार, एक ही एंट्री है, क्या कर पर्टिकुलर एस टी यू बी, लो जी अब तो ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, और इसी के साथ हम बनाने के बाद में बैलेंस शीट, पहले एडजस्टमेंट की एंट्री, बैलेंस पीडी, बोलो कितना कितना जल्दी बोलो, 2,50,000 1,50,000 2,50,000 1,50,000 और 50,000. लो जी हो गई बात खत्म. अब देखो और क्या क्या बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है पर उसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी ज्यादा दे दिया, बल्कि और अरे कुछ है ही नहीं, और कुछ है नहीं, बस वो देखो क्या था आपका वो लॉस, ये देखो 2 रिवोल्यूशन लॉस कितना कितना था, 4,000 3,000 2,000 और 1,000. और उसके बाद ये वी देगा एस, तो इधर देखो हेलो नैन्सी इधर दे, यहां गलती है बेटे, वी दे रहा है और एस ओ टी को मिल रहा है, एस ओ टी को पैसा मिलेगा और वी देगा, एस ओ टी को कितना मिलेगा, 9,000 और कितना मिलेगा, 18,000. कौन देगा, बाय वीज कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को कुछ नहीं. और फिर सुनो वी के यहां से निकालना पड़ेगा, कितना निकालना पड़ेगा, 9,000 एक के लिए और 18,000 दूसरे के लिए, और ये लिखेगा 2S कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेगा 2T कैपिटल अकाउंट, ये है इसका मतलब. मतलब वी अपनी कैपिटल में से इन दोनों को 9,000 और 18,000 के हिसाब से 27,000 दे देगा, जो सेक्रीफाइस करेंगे उन्हें मिलेगा, जो गेन करेगा वो देगा, कहां से देगा, कैश तो लाएगा नहीं, अपनी कैपिटल से निकाल के देगा. हो गई बात खत्म, ये वाली एंट्री का ख्याल रखना, या तो भाई दोनों की गलत थी, तेरी भी और मेरी भी गलत है, कही है तुम,
मैंने लिखा इसको कमिट दिया है पढ़ना घर जाके जब पेपर मिलेगा ठीक है चलो ठीक है जिससे दो बच्चों ने किए एक सी वाली गलती ओके बात कर और तो कुछ है नहीं और तो है कुछ नहीं रिजर्व कोई है नहीं कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं तो अब क्या निकाले एडजस्टेड कैपिटल सर ये हर क्वेश्चन में निकाल लिया कि अरे नहीं यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है सुनो इधर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट अरे यहाँ लिखा है तो मुझे करना पड़ेगा आई हैव टू कैलकुलेट एडजस्टिंग कैपिटल चारों पार्टनर्स की कैसे एस टी यू और वी आगे बात समझ कितनी कितनी एडजस्टिंग कैपिटल मतलब जो देना है उसमें से जो लेना है बोलो कितनी आए ओके इसकी कितनी आई 165 वाह 98 फिर 98 और इसकी 22,000 लो ये आ गई एडजस्टिंग कैपिटल बोलता है कि इस कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो तो लोग बांट दो ना टोटल कर लो इसको एक दो कितना आया टोटल 4,90,000 4,90,000 को बांट दो कौन सी रेशियो में न्यू रेशियो 3:1:4 3:1:2:4 इसमें बांट दो यहां नहीं बांटना बुक की तरफ यहां बांटेंगे सीधा हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी जरा बांटो तो क्या है जल्दी से 4,90,000 इंटू 3/10 1,47,000 इसका कितना है इसका 49,000 वेरी गुड इसका 98 वेरी गुड 1,96,000 अब बस बात खत्म अब इसकी बैलेंसिंग करनी है जिसका पैसा फालतू हो उसके यहाँ करंट अकाउंट में डाल देना जिसके पास कम हो उससे मंगवा लेना अब देखते हैं वन बाय वन इसकी बैलेंसिंग पहले करते हैं किसकी ये वाली साइड ज्यादा है तो पहले इसे बंद करेंगे 2,09,000 और इसको भी देखें यहाँ थोड़ा सा आगे कर ले इसको ये एस 152 ये हो गया 2,09,000 ये आ गया 2,09,000 ठीक है जी लो इसको निकाले मुझे बताओ 2,09,000 में से 1,41,000 कितना है 58 ये आ गया 58,000 क्या लिखो टू करंट अकाउंट 58,000 अब अगले वाले का देखें क्या स्टोरी है 168. इसका है 168 ये वाली सेट ज्यादा तो इसे बंद करें जो सेट ज्यादा होती है उसे बंद करते हैं ये सेट ज्यादा थी 160 जिसे बंद किया ये लो 1,68,000 कितना है 1,16,000 आ जाओ अब इसको देखें क्या हिसाब किताब है ये तो बराबर हो गया ये तो 1,01,000 लो ये भी 1,00,000 यहां कोई चक्कर ही नहीं लो इसके बाद और इसे बंद करें ये वाला इसका क्या हिसाब किताब है ये तो इसको लेके आना पड़ेगा पैसा ही हैज टू ब्रिंग द मनी इसकी ये वाली सेट ज्यादा है 1,96,000 +18,000 +9,000 +1,000 2,24,000 माइनस करें 50,000 तो 1,74,000 ही हैज टू ब्रिंग और ये आया 2,24,000 जो सेट ज्यादा होती है उस सेट को बंद करते हैं आपने सीखा है या लिखेंगे बाय करंट अकाउंट लोज बात खत्म हो गई हो गया क्वेश्चन पूरा अब छोटी सी बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट को देख लेते हैं यहां हमने बैलेंस शीट बनाई थी लास्ट में भी अब भी यहां बैलेंस शीट बनाएंगे यहां पे एक बैलेंस शीट बना देते हैं आ जाओ ये हो गई बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट को देखते हैं सबसे पहले लायबिलिटी साइड देखें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है कैपिटल वो तो हमें डालनी पड़ेगी और कैपिटल देखें किसकी कितनी आई कैपिटल इसकी कैपिटल है 1,47,000 एस की यू की नो एस की बट पी है पी की कैपिटल है 49,000 और उसके बाद यू की कैपिटल है 98,000 और V की 1,96,000 कितना हो गया टोटल मान लेना 490,000
हो गया अब करंट अकाउंट, यहां लिखो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट एस का कितना है 58,000 और उसके बाद टी का 1,16,000 टोटल कितना आ गया 174। लो खत्म हो गई कहानी जी। उसके बाद देखते हैं और क्या है। अरे सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 डालना पड़ेगा, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्योंकि नीचे क्लेम है 70,000 ये भी डालना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70,000। लो जी ये वाली सैंड और कुछ नहीं आएगा क्योंकि जगह भी नहीं बची। इस तरफ आएगा हमारे पास फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स कितना है 4,40,000 और तो कुछ नहीं है ना, और यहाँ करंट असेट्स कितने हैं 2,00,000 और एक ये 20 करंट अकाउंट ये कितना है 174। और कुछ है क्या, बस खत्म, आंसर मिल जाना चाहिए। अब आंसर मिलेगा 4,90,000 प्लस 1,74,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 8,14,000 आ रहा है क्या, 8,14,000 और वहां 4,40,000 आ गया। लो मेरे पास तो सारे हीरो बैठे हैं, एक मिनट में उससे पहले आंसर मिला दिया। इतना सा क्वेश्चन था ये आप नहीं कर पाए, पता नहीं पेपर के अंदर क्यों नहीं किया है? ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये आप ये गलत ऑप्शन, गलत ये गलत बात है कि राइटिंग देकर डरता वहां से नहीं कर पाता, इसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं राइटिंग से नहीं डरता है। क्या बात कर रहे हो, 29 नंबर कैसे आए उसके, 29 कैसे आए, हद है आपकी यार। अगर आप घर पे तो पूछ लेते क्यों समझ नहीं आई, सर अगली बार से टाइप करके देना। मैं पहले टाइप करके देता था लेकिन अभी चक्कर है कि प्रीति बहुत बिजी है, ये तो प्रीति टाइप कर देती थी। ये है ना, क्वेश्चन आपने लेकिन सुनो बड़ी बात ये है, बात सुनो ये थी कि आप लोगों के कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है। आप लोग कंसेप्ट पे काम करो, आप लोग रिट एप्लीकेशन करके फटाफट सिलेबस खत्म करके आगे मत जाओ, कंसेप्ट के ऊपर काम करो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, प्लीज क्लियर योर कंसेप्ट। ठीक है जी, अब मैं यहाँ रहूँ कि यहाँ रहूँ, नहीं आप अंदर करो पीछे करो, ओके ठीक है। आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो, मेहनत करो, प्लीज मेहनत करो, हार्डवर्क करो, आप प्लीज मेहनत करो और हार्डवर्क करते रहो, और थोड़ा सा अपना क्या थोड़ा सी प्रैक्टिस करते रहो जो चैप्टर हो गए। मैं सच्ची बोलता हूँ, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लूँ ना आज, अभी भी फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लू आज मीन्स अभी इन दिनों में, तो आप ये बात देखना कि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनके कंसेप्ट अभी डाउन हो चुके होंगे। लिया था ना फर्स्ट टाइम मैंने, मार्क्स नहीं आए थे आप, अरे पर आप लोग इतना अच्छा चल पड़े थे, आप लोग यहाँ आ रहे थे, रोज रोज के क्वेश्चन कर रहे थे, डेली बैठ के क्वेश्चन निकाल रहे थे, आपने उस वक्त बंद कर दिया सर, उस वक्त बंद हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, मिस आपकी बुक का चैप्टर 4 एडमिशन, एडमिशन खत्म होने के तुरंत बाद, जैसे ही एडमिशन खत्म होगा उसके तुरंत बाद रिटायरमेंट आएगा, और सच्ची मानना रिटायरमेंट के अंदर एडमिशन के अंदर कुछ फर्क होगा ही नहीं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत थोड़ा डिफरेंस होगा, छोटी छोटी बातें नहीं होंगी, उसके चैप्टर वो भी खत्म होगा। रिटायरमेंट और डेथ 100% सेम है, वहां गिनी निकालोगे, लेकिन एक ही बात है आपको तो मालूम है, गिनी निकालो या सेक्रीफाइस आपको तो मालूम है, फिर उसके बाद आप निकालोगे क्या डेथ के अंदर, डेथ में छोटे से दो नए टॉपिक आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक, और डेथ भी खत्म हो जाएगी। और डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप सबसे आसान चैप्टर है इस किताब का, जिसके अंदर ना कोई गुडविल का लफड़ा है, जिसके अंदर ना कोई गुडविल है, ना कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ना कोई गेनिंग रेशियो है, ना कोई रिजर्व है, ना कोई प्रॉफिट है, कुछ नहीं है। डिसोल्यूशन बहुत आसान चैप्टर है और उसमें सिर्फ 44 क्वेश्चन डिसोल्यूशन और बुक खत्म हो जाएगी। यानी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, हम 31 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर जाएंगे, क्योंकि एक बार ये बुक खत्म हुई ना ये वाली बुक, तो फिर कुछ बचता नहीं है,
वो फाइनेंशियल जो बुक है ना आपकी, उसके स्टेटमेंट की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कुछ भी नहीं बचता। पहले 6 चैप्टर तो आप हफ्ते में खत्म कर देते हो, विद इन अ वीक 6 चैप्टर। तीन है जो टाइम वाले चैप्टर बचे ना इसके बाद, जो टाइम लेने वाले चैप्टर, वो है इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ रिडेम्पशन निकाल दिया, मालूम है आपको, रिडेम्पशन कंप्लीट निकाल दिया, इश्यू ऑफ शेयर एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, दो चैप्टर जहां टाइम लगेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जहां थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर एक चैप्टर बचेगा रेशियो एनालिसिस। वही बच्चे करेंगे जिन्हें पूरे 100 नंबर की लड़ाई लड़नी है, जिन्हें 100 मार्क्स नहीं चाहिए उसको छोड़ देंगे वो, क्योंकि वहां क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और वेटेज बहुत कम है, 4 नंबर का आता है। नहीं हार्ड नहीं, हार्ड कुछ भी नहीं, हार्ड नहीं, क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। जो बच्चे 95 से लेके 100 के बीच में लड़ाई लड़ते हैं वो बच्चे उसको करते हैं बुक। तो इसीलिए आप साथ साथ करते रहो, पीछे के टेस्ट देते रहा करो, टेस्ट को जितने ज्यादा टेस्ट होगे उतना अच्छा लगेगा आपको, उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। चलो कल हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक करेंगे, इसका लास्ट टॉपिक और खत्म करेंगे एडमिशन ऑफ पार्ट 1, ठीक है जी।